बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मेहराज रॉब देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया शुरू चैनल भैड यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर वोकेशनल कोर्स में पढ़ाई करने वाले तमाम छात्र छात्रा, उसमें से कुछ छात्र छात्राओं के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वोकेशनल कोर्स के, वो अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। साथ ही कुछ ऐसे भी छात्र छात्रा है कुछ कोर्स के जिन्होंने परीक्षा फॉर्म भरने के लिए काफ़ी इंतज़ार किया था। इंतज़ार की घड़ी समाप्त हुई। आज के दैनिक जागरण आप देखेंगे तो अखबार में ये रिपोर्ट किया गया है कि आज से तमाम छात्र छात्रा जो वोकेशनल कोर्स के नाम इस आर्टिकल में लिस्टेड है, सभी के परीक्षा फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। साथ ही हम बात करेंगे रिजल्ट के ऊपर। आप जो देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि आधा दर्जन वोकेशनल कोर्स का आज से भरा जाएगा परीक्षा फॉर्म। और यहां पर आप देखेंगे तो बिहार विश्वविद्यालय ने 7 वोकेशनल कोर्स की परीक्षा के लिए फॉर्म भरने की तिथि जारी कर दी है। छात्र छात्राएं मंगलवार से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। संबंधित कोर्स के समन्वयकों से कहा गया है कि इंटरनल असेसमेंट और प्रायोगिक परीक्षा का आयोजन कर निर्धारित समय में अंक उपलब्ध करा दे। अब यहाँ पर देखिएगा तो कोर्स के नाम दिए गए हैं कि परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर संजय कुमार ने बताया कि जो HJMC प्रथम सेमेस्टर है आप देख पा रहे हैं 22 से 23 और द्वितीय सेमेस्टर 21-22। वहीं आप देखेंगे तो PGDYS आप देख पा रहे हैं प्रथम सेमेस्टर जिसका सेशन 20 से 23 है आप देख पा रहे हैं। एक साल का यहाँ पर एकेडमिक सेशन लिया जा रहा है और द्वितीय सेमेस्टर 21-22 आप देख पा रहे हैं। वहीं BCA प्रथम सेमेस्टर आप देख पा रहे हैं 22 से 25। वहीं BBA प्रथम सेमेस्टर 22 से 25। BCA और BBA आप यहाँ पर ध्यान देंगे। और MBA प्रथम सेमेस्टर 22 से 24, MCA प्रथम सेमेस्टर 22 से 25 और PGDCA आप देख पा रहे हैं प्रथम सेमेस्टर 22 से 23 के विद्यार्थी 31 जनवरी तक बिना विलंब शुल्क के साथ परीक्षा फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं परीक्षा फॉर्म तो ऑनलाइन फिलअप ही किया जाएगा, लेकिन एक बार अपने संबंधित विभाग से जो है कि आप अपनी बातचीत रखेंगे। वहीं आप रिजल्ट के बारे में देखेंगे तो वोकेशनल कोर्स के तमाम छात्र छात्राएं आप देख पा रहे जिसके एग्ज़ाम हो चुके हैं रिजल्ट के इंतजार में है कि वोकेशनल कोर्स की परीक्षाओं का परिणाम इसी सप्ताह जारी होगा। और विश्वविद्यालय के दर्जन भर से अधिक वोकेशनल कोर्स की परीक्षाओं का परिणाम इसी सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। और परीक्षा निरीक्षक ने बताया कि कॉपियों की जांच से लेकर के टैबुलेशन का कार्य पूरा हो गया है। परिणाम जारी करने को लेकर के कुलपति से अनुमति लेने को फाइल बढ़ा दी गई है, शीघ्र ही परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बता दें कि विद्यार्थी 3 महीने से परिणाम का इंतजार कर रहे हैं। वोकेशनल कोर्स के वैसे छात्र छात्राएं जो कि पहले ही एग्जाम आपका हो चुका है उनके परिणाम भी इसी सप्ताह जारी किए जाएंगे। और वोकेशनल कोर्स में इन सभी कोर्सेज के परीक्षा के लिए परीक्षा फॉर्म आज से भरा जाएगा और लास्ट डेट 31 जनवरी रखी गई है। तो तमाम छात्र छात्राएं आप इस कोर्स से बिलोंग करते हैं तो आप अपने संबंधित डिपार्टमेंट से बातचीत करेंगे और नियत समय में अपना परीक्षा फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके बाद से परीक्षा के लिए जो गाइडलाइंस होगी आप उसको ध्यान में रखेंगे और परीक्षा जब होगी तो आप परीक्षा देंगे। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।